it's like that. He ain't never leaving, no, he coming right back. I know that he need it, cause shorty gon' bite back. Alright, so guys, once again welcome to my vlog. तो guys, कल हम लोग दिवाली को लेकर बहुत ज़्यादा थक गए थे. हम लोग ने रात भर मतलब नॉन स्टॉप 3 बजे तक पटाखा वगैरह बहुत ज़्यादा फोड़ा, तो मतलब थक गए थे. अब हम लोग, अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने. तो अभी हम लोग कम से कम जा रहे हैं, आपको मेरा फेस थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि मैं सो के दिन भर सो ही रहा था इसीलिए. तो अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं बाहर खाना खाने. तो अभी हम लोग को यहाँ से कम से कम 10-15 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही है शायद, मेरे को आइडिया नहीं है. तो हम लोग हाईवे साइड जा रहे हैं खाना खाने ढाबा पे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिवाली का तो ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि काम में इतना बिजी था. तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोग के साथ ढाबा पे खाना खाने जा रहा हूँ उसका ब्लॉग शेयर करूँ. तो गाइस लेट्स मूव, चलते हैं. यहाँ पर मेरे साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, भैया लोग भी हैं, तो उन लोगों के साथ जा रहा हूँ खाना खाने. तो कौन सा ढाबा जा रहा है अभी तक ये भी नहीं पता, बस चलते हैं देखते हैं. बहुत ही मज़ा आने वाला है नाइट आउट करने में, तो लेट्स गो. गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे साथ मेरे पूरे भैया लोग भी है. अभी हम लोग सब इस तरफ भी है और आगे भी है और आधा आ रहा है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने. तो अभी कम से कम हम लोग को एक घंटा से ज़्यादा ही लगेगा, एक घंटा भी लग सकता है. फ्लैश का ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा है. आ गया, अब आ गया. So guys, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं. आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितना बड़ा भीड़ है. मैं आपको ढाबा बाद में दिखा दूंगा और आपको मेरा फेस अच्छा से नहीं आ रहा होगा, बट हावड़ा का ये सबसे मतलब बोला जाए तो 100 फुट एक जगह का नाम है, वहाँ का सबसे अच्छा और सबसे मस्त ढाबा है. तो हम लोग अभी वहीं पर आए हैं. यहाँ पर अभी बहुत भीड़ है, तो हम लोग को एक घंटा बाद अभी अंदर जाने मिलेगा क्योंकि आगे बहुत जन का लाइन दिया हुआ है. तो अभी हम लोग एक घंटा बाद तब तक यहाँ बाहर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद एक घंटे बाद हम लोग अंदर जाएंगे. तो So guys, अभी हम लोग NH6 रोड पकड़ के जा रहे हैं सीधा कोलाघाट की तरफ. तो देखते हैं अभी हम लोग कौन सा ढाबा जाने वाले, क्योंकि हम लोग पिछले जो ढाबा रुके तो वो इतना भीड़ था, वो लोग एक घंटा का टाइम दिया. तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पर टाइम वेस्ट करना बर्बाद है, इससे अच्छा कोई और ढाबा चलते कहीं और खाली मिल जाए कुछ भी. तो हम लोग जा रहे कोलाघाट की साइड, वहाँ पर देखते हैं. हम लोग ने अभी नेशनल हाईवे पकड़ लिया. गाइस अभी हम लोग इतना दूर जा रहे हैं कि 2-3 जन का बाइक का पेट्रोल इतना कम था कि लोगों का पेट्रोल खत्म हो गया. तो जो लोग पेट्रोल पंप पर अभी हम लोग ढाबा पहुंच चुके थे, हम लोग पंजाबी ढाबा पहुंचे थे, बट अब यहाँ पर किसी को खाने का मन नहीं है, यहाँ पर पूरा खाली है, इसलिए अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे. हम लोग आगे और जा रहे हैं पंजाब से, अब हम जा रहे हैं लुधियाना ढाबा. 5,000 रुपया अभी मंगाया गया है. हम लोग हालत बहुत ही खराब है, हम लोग को पता नहीं कैसे जाना है. फुल हाईवे में टाना टूनी चल रहा है, बहुत हालत खराब है. एक तो आग से आंसू निकल रहा है, इतना ठंडा है. तो गाइस चलते हैं अभी सीधा लुधियाना ढाबा, वही हम लोग का फिक्स पॉइंट रहेगा. हम लोग ने दो ढाबा ढूंढा, कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं लुधियाना ढाबा. तो लेट्स गो. तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके लुधियाना ढाबा में. अब यहाँ पर पेट भर के खाएंगे, उसके बाद फिर वापस वैसे रफ्तार में दौड़ाते हुए पता नहीं कहाँ जाएंगे. बट ये नाइट आउट बहुत ही मस्त हो रहा है. तो अभी सबसे पहले खाना खा लेते, बहुत तेज भूख लगी. सबका नान है, सबका नान है. उसके बाद प्लेन रोटी होगा. लोग देख सकते हैं यहाँ भी 15 मिनट से ज्यादा हो चुका, भूख इतने तेज की लगी, बट अभी भी डिस्कशन ही चल रहा है. एक तो इतने दूर से हम लोग आए खाना खाने, यहाँ पर खाना नहीं मिला भाई. यहाँ पर खाना आने में भी टाइम लगेगा आधा घंटा, उसके बाद हम लोग वापस उतना दूर जाना है. तो ऑर्डर दिया हम लोग को अभी आधा घंटा से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी का खाना नहीं. आप पीछे देख सकते हो सबका हालत खराब है. यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को, देखी चन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू. अभी भी वहाँ पर खाना पीना सब कुछ चल ही रहा है, तो मैं थोड़ा खा के तो जस्ट वॉक कर रहा हूँ. हम लोग को 1.5 घंटा जाने में भी लगेगा और रात बहुत ज़्यादा है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगा. मैं सिर्फ टी शर्ट पहन के आया, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने वाला है. हाईवे का ये ढाबा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया, आप देख सकते हो वाला. अगर आप लोग को ये मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. मैंने 1-2 हफ्ते से ब्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि दिवाली वगैरह के काम पे और भी बहुत सारे काम पे बिजी हो जा रहे थे, दैट्स वाई. तो गाइज अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग
क्या बनेगा कुछ पता नहीं है नहीं, बट जो भी बनेगा मस्त बनेगा। हो गया थोड़ा सा वॉक करते उसके बाद लेट्स गो बैक टू होम। I get